अगेन नेक्स्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन डेटा टाइप्स। इस पर्टिकुलर केस में फर्स्ट केस में देखा जाए टू वेरिएबल डिफाइन हुए CH1 और CH2, दोनों का ही टाइप क्या है, कैरेक्टर्स। दोनों केस में कैरेक्टर लिटरल और कैरेक्टर कांस्टेंट डायरेक्टली साइन किए हैं, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था। और कहीं भी कांस्टेंट असाइन हो रहा है, कांस्टेंट के केस में कंपाइलर से हो रहा था पर्टिकुलर वैल्यू रेंज के अंदर है और आउट ऑफ रेंज है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में या एक्सप्रेशन में कोई भी वेरिएबल अवेलेबल है असाइनमेंट टाइम पर राइट हैंड सेशन में, देन उस केस में ऑलवेज असाइनमेंट किसके बेस पर टेस्ट होगा, बेस्ड ऑन रेंज। अगर रेंज मैच होता है, रेंज के अंदर है, देन असाइनमेंट पॉसिबल, अदरवाइज कंपाइल टाइम एरर। तो फर्स्ट टू केसेस में असाइनमेंट किसका यूज करके हुआ है, डायरेक्टली कैरेक्टर लिटरल और वी कैन से कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, इसलिए असाइनमेंट्स कैसे हैं, वैलिड। थर्ड केस या स्पेस में कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन थर्ड केस में देखा जाए, थर्ड केस में जब भी असाइनमेंट होगा एडिशन का यूज करके, तो यहाँ असाइनमेंट के केस में पहले एडिशन परफॉर्म हो रहा, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में चेकआउट करना रिजल्ट का टाइप क्या है, देन चेक करोगे आप रिजल्ट रेंज के अंदर है कि नहीं। सबसे पहले चेक करो एक्सप्रेशन के अंदर कॉन्स्टेंट्स अपीयर हुए या वेरिएबल्स, वेरिएबल्स वेरिएबल्स के केस में असाइनमेंट रेंज के बेस पर होगा। यहाँ फर्स्ट वेरिएबल की बात करें CH1 का टाइप क्या है, इस केस में केयर। सेकेंड वेरिएबल का टाइप क्या है, ऑल्सो केयर। केयर प्लस केयर का रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, इंटीजर्स के फॉर्म में अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल्स थ्योरी डिस्कशन। रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, इंटीजर्स में। देन इंटीजर के केस में इसे यहाँ वेरिएबल्स था, इसलिए कंपाइलर के पास रेंज का या वैल्यू का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए असाइनमेंट किसके बेस पर टेस्ट हो, बेस्ड ऑन रेंज। जो वैल्यू इंटीजर में असाइन करना पॉसिबल हो, सारे वैल्यू कैरेक्टर में असाइन करना पॉसिबल हो गया, नॉट पॉसिबल। मीन्स कैरेक्टर टू इंटीजर टू कैरेक्टर असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, इंटीजर टू कैरेक्टर इम्प्लीसिट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं। क्या है इस केस में, कंपाइल टाइम एरर, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन फाउंड इन रिक्वायर्ड केयर, क्लियर। जबकि CH1 का वैल्यू क्या था, ए, और CH2 का वैल्यू क्या था, बी। सेम केस कंपेयर करेंगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन से। नेक्स्ट केस में मैंने अगेन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यूज किया, लेकिन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स हैं वैल्यूज डायरेक्टली कॉन्स्टेंट वैल्यू, मीन्स ए का मीनिंग किस केस मिला था, 97, मीन्स कॉन्स्टेंट। ए का आज की वैल्यू कभी चेंज हुआ क्या, नहीं। बी का आज की वैल्यू चेंज होने के चांस नहीं, मीन्स ऑलवेज क्या रहेगा, सेम। यहाँ कॉन्स्टेंट फाउंड हो रहा है, प्लस इसका जो भी एडिशन आएगा वो विद इन अ रेंज है, रेंज, इसलिए असाइनमेंट कैसा है, वैलिड। सेम है सेकेंड केस में, अगेन ए के प्लेस पर 97 यूज किया, बी के प्लेस पर 98, मीन्स ये दोनों केस एग्जैक्टली सेम है। और वी कैन से ऑल थ्री केसेस, तीनों ही केस कैसे सेम, क्या वो तीनों के लॉजिकल मीनिंग कैसे सेम, क्या तीनों ही केसेस में एक्सप्रेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपीयर किया हुआ ओनली कॉन्स्टेंट्स नॉट अ वेरिएबल्स। कहीं भी अगर वेरिएबल अपीयर होता देन आप टेस्ट करोगे रेंज की बेस पर। नेक्स्ट वन इन टाइप 5, इस केस में रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएगा, इंटीजर्स के फॉर्म में, और असाइनमेंट भी किस में हो रहा है, इंटीजर, इसलिए केस कैसा है, वैलिड। इस पर्टिकुलर केस में पहले परफॉर्म क्या हुआ, एडिशन, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी, मीन्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंग रिजल्ट किस फॉर्मेट में आ रहा है, इंटीजर्स के फॉर्म में, इंटीजर। देन टाइप कास्टिंग किस में हो रहा है, कैरेक्टर, जो कन्वर्ट किस में कैरेक्टर, देन कैरेक्टर किस में साइन होगा, CH3, इट इज वैलिड। ओनली प्रॉब्लम किस केस में था, दैट स्टेटमेंट, कंपाइल टाइम एरर, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन फाउंड इन रिक्वायर्ड केयर।